आरसीबी की टीम ने विराट कोहली को 21 करोड़ रुपए में, रजत पाटीदार को 11 करोड़ रुपए में और यश दयाल को 5 करोड़ रुपए में रिटेन किया। मात्र तीन खिलाड़ियों को आरसीबी ने रिटेन किया। इन तीन खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए आरसीबी को 37 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अब आरसीबी के पास आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए 83 करोड़ रुपए का पर्स है। दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके पास सबसे ज़्यादा पर्स है। सबसे पहले नंबर पर है पंजाब किंग्स, जिसके पास 110.5 करोड़ रुपए का पर्स बचा हुआ है। उसके बाद में आरसीबी का ही नंबर आता है 83 करोड़ रुपए के बड़े पर्स के साथ। आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उतरने वाली है। उम्मीद हर आरसीबी का फैन ये कर रहा होगा कि इस बार ऐसी प्लेइंग 11 बनाए, इस बार ऐसी टीम बनाए जो उनको आईपीएल टाइटल जीता सके। तो कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिनको आरसीबी की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि विराट कोहली के रूप में उनके पास ऑलरेडी एक ओपनर है, तो एक ओपनर और चाहिए जो विराट कोहली के साथ ओपन करे। नंबर तीन पे आरसीबी के लिए कौन खेलेगा, नंबर चार रजत पाटीदार है, तो नंबर पाँच पे फिनिशर प्लस ऑलराउंडर चाहिए, नंबर सात आठ पे दो अच्छे स्पिनर चाहिए, फिर यश दयाल के रूप में एक फास्ट बॉलर है नंबर आठ पे। तो यश दयाल के साथ दो और कौन से फास्ट बॉलर होंगे जो गेंदबाजी करेंगे, तो आरसीबी के पास तीन खिलाड़ी है प्लेइंग 11 के, आठ खिलाड़ी और आरसीबी की टीम टारगेट करेगी, जिससे आरसीबी की एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बन जाएगी जो आईपीएल 2025 का आईपीएल टाइटल जिता सकती है आरसीबी को। आरसीबी फैंस घबराना नहीं है, विराट कोहली की एज ए कप्तान वापसी हो रही है। आईपीएल 2025 में आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। परंतु वो कौन से आठ खिलाड़ी होंगे जिनको आरसीबी की टीम टारगेट करके अपनी प्लेइंग 11 को कंप्लीट करेगी, तो विराट कोहली के साथ ओपन पिछले तीन साल से फेफ डुप्लेसिस कर रहे हैं। विराट फेफ का ये जो कॉम्बिनेशन है ये सक्सेसफुल भी रहा है आरसीबी के लिए, परंतु क्या फेफ डुप्लेसिस को रिबाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फेफ डुप्लेसिस को रिबाय ना करें, इसके बजाय विलजेक्स को रिबाय करें। विलजेक्स आईपीएल 2024 के स्टार्टिंग के मुकाबले आरसीबी के लिए नहीं खेले थे, वहाँ पे आरसीबी मुकाबले हारी थी। उसके बाद में विलजेक्स मुकाबले खेलते हैं, 230 रन बनाते हैं 175 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें एक शतक भी सम्मिलित है। नंबर तीन भी खेले थे विलजेक्स। अब विलजेक्स को आप शिफ्ट करिए, रीबाय करिए, पहला टारगेट प्लेयर होना चाहिए। या एक अभी आरटीएम का भी तो इस्तेमाल कर सकती है, तीन खिलाड़ियों पे आरसीबी आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है। तो विलजेक्स अगर रीबाय में मिल जाते हैं तो आप आरटीएम का इस्तेमाल मत करिए, नहीं मिलते हैं तो फिर आरटीएम का इस्तेमाल कर लीजिए। तो पहला आपकी टारगेट लिस्ट में आरसीबी का जो नाम रहने वाला है वो विलजेक्स, फिर विराट कोहली विलजेक्स ओपन कर लेंगे। नंबर तीन सबसे बड़ी चीज़ और आईपीएल 2025 में सबसे महंगा खिलाड़ी बिक सकता है वो है ऋषभ पंत। आरसीबी के पास ऐसा खिलाड़ी नहीं है। विराट कोहली के बाद में आरसीबी की बागडोर कौन संभालेगा, विराट कोहली के बाद में आरसीबी की ब्रांड वैल्यू कौन बनाए रखेगा, सीएसके के पास एमएस धोनी के बाद में अब ऋतुराज गायकवाड़ मिल चुके हैं, मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा के बाद में हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, सूर्य कुमार यादव है, पर आरसीबी के पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो उनकी ब्रांड वैल्यू को बरकरार रख सके। अब ऋषभ पंत, एजो बनाओ, यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल, अब ऋषभ पंत, ये तीन ही बड़े खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए। तो ऋषभ पंत ऑक्शन की टेबल पर आ रहे हैं, ये आरसीबी के पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है कि ऋषभ पंत के लिए 25 करोड़ रुपए, विलजेक्स आपको 5 करोड़ रुपए में मिल जाएंगे। ऋषभ पंत के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए का कम से कम पर्स बचा के रखें, उम्मीद करें कि 25 करोड़ रुपए तक ऋषभ पंत मिल जाए। ऋषभ पंत के मिलने से आपके पास एक फ्यूचर लीडर आ जाएगा, फ्यूचर ब्रांड वैल्यू वाला खिलाड़ी आ जाएगा, प्लस आपके पास एक विकेट कीपर बैट्समैन आ जाएगा। तो नंबर तीन पे आरसीबी के लिए ऋषभ पंत, जिसको आरसीबी टीम जरूर टारगेट करना चाहिए। 25 करोड़ रुपए मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को देने ही पड़ेंगे। नंबर चार रजत पाटीदार खेलेंगे, कोई शक है नहीं उनमें। फिर नंबर पाँच पे चाहिए एक खिलाड़ी जो फिनिशर की भूमिका निभा सके, बॉलिंग भी कर सके, मतलब मल्टी स्किल्स वाला। तो नंबर पाँच पे ग्लेन फिलिप्स, देखो बड़ा नाम नहीं है आईपीएल में, कभी ग्लेन फिलिप्स को इतने मौके नहीं मिले, तो इसलिए मानो ग्लेन फिलिप्स आपको सस्ते में 2 करोड़ में मिल सकता है बेस प्राइस के अंदर, या 3 करोड़, मैक्सिमम 3 करोड़ में मिल सकता है। ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी कर सकता है, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, पावर हिटर है, नंबर पाँच पे आके आपके लिए फिनिशर की भूमिका निभा सकता है, और जरूरत पड़े तो ऋषभ पंत के बैकअप भी हो सकता है, एज ए विकेट कीपर विकेट कीपिंग भी कर सकता है। तो नंबर पाँच पे और आरसीबी की टारगेट लिस्ट में तीसरा नाम ग्लेन फिलिप्स होने वाला है। 3 करोड़ रुपये में ग्लेन फिलिप्स मिल जाएंगे, तो 25 करोड़ रुपये में ऋषभ पंत, 5 करोड़ रुपये में विलजेक्स, 3 करोड़ रुपये में आपको मिल गए ग्लेन फिलिप्स। अब लगभग 33 करोड़ रुपये का पर्स और इन्होंने खर्च कर दिया, अब लगभग बच गया 50 करोड़ रुपए का पर्स। अभी 50 करोड़ रुपए में खिलाड़ी काफी इनको खरीदने। फिर नंबर छः पे, अब नंबर छः पे भी चाहिए ऑलराउंडर जो गेंदबाजी भी कर सके, जो फिनिशर की भूमिका निभा सके, तो मार्कस स्टोनी जो लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे, शतक भी लगाया था आईपीएल 2024 में, सीएसके के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले जीती थी, तो उसमें मार्कस स्टोनिस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता था। तो मार्कस स्टोनिस
उतने खिलाड़ी होंगे जिसको आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन से पहले टारगेट करेगी। देखो मार्कस स्टोइनिस नंबर 6 पे अगर सूट नहीं हो रहे तो मार्कस स्टोइनिस को नंबर 3 या ओपन करवा दीजिए, ओपन करते हैं तो विलजेक्स नंबर 3 पे खेलेंगे, नंबर 4 रजत पाटीदार, और ऋषभ लगातार आईपीएल में नंबर 5 पे खेले तो ऋषभ को नंबर 5, फिर ग्लेन प्लेस को नंबर 6 पे शिफ्ट कर लीजिए, ये आपकी सेटल प्लेइंग 11 भी हो जाएगी। और मार्कस स्टोइनिस 6 करोड़ रुपये में या 7 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं, तो 40 करोड़ रुपये इन चार खिलाड़ियों को खरीदने के लिए खर्च कर दिया। अब दो क्वालिटी स्पिनर, अच्छी खबर है आरसीबी के लिए, सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज जो रहा है यूजी चहल, ब्लंडर किया था पिछले मेगा ऑक्शन से पहले, रिलीज कर दिया था, फिर रिवाइव भी नहीं करा था यूजी चहल को। अब यूजी चहल को राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिया है। उम्मीद यही करके चल रहा हूँ कि आरसीबी की टीम बाई करेगी, आरसीबी की टीम जाएगी यूजी चहल के पीछे, क्योंकि अभी क्वालिटी लेग स्पिनर्स में से कोई ऐसा लेग स्पिनर नहीं है जो ऑक्शन की टेबल पे उतरने वाला है जो यूजी चहल के कंपेयर में, क्योंकि रवि बिश्नोई रिटेन, कुलदीप यादव रिटेन हो गए, तो आपके पास जो इंडियन स्पिनर्स है वो यूजी चहल ही बचे हैं, तो वरुण चक्रवर्ती भी रिटेन हो गए, तो यूजी चहल आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 करोड़ रुपए में यूजी चहल भी मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले मेगा ऑक्शन में 8 करोड़ रुपए के करीब बिके थे, तो 6 करोड़ रुपए में आपने यूजी चहल को खरीद लिया। अब लगभग 45 करोड़ रुपए का पर्स खत्म हो चुका आरसीबी का। अब दूसरा, अब एक लेग स्पिनर आ गया तो एक फिंगर स्पिनर चाहिए, फिंगर स्पिनर्स के रूप में न्यूजीलैंड के मिशेल सेटनर को टारगेट करना चाहिए, 3 करोड़ रुपए में मिशेल सेटनर मिल जाएंगे, 48 करोड़ रुपए तक आपका पर्स खत्म हो जाएगा, प्लस मिशेल सेटनर नीचे आके आपके पास बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी अच्छी खासी कर सकते हैं, अच्छे 4 ओवर निकाल के दे सकते हैं, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, प्लस एक अच्छे फील्डर है और बैटिंग तो कर ही सकते हैं, तो ये खिलाड़ी है जिसको मिशेल सेटनर आरसीबी की टारगेट लिस्ट में ये नाम भी रहने वाला है, मिशेल सेटनर को जरूर ये टारगेट करेगी। फिर फास्ट बॉलर में यश दयाल ऑलरेडी उनके पास है, मतलब 2 फास्ट बॉलर और चाहिए, 6 खिलाड़ी वो टारगेट कर चुकी है, 2 खिलाड़ी को वो टारगेट कर देती है, तो उनकी प्लेइंग 11 एक मजबूत बन जाएगी। अब टारगेट लिस्ट में जो फास्ट बोलर्स है, हरदीप सिंह, मोहम्मद समी, ट्रेंट बोल्ट, लोक्यू फर्ग्यूसन, जोफ्रा आर्चर, मिशेल स्टार, ये इतने बड़े नाम इस बार के मेगा ऑक्शन में ऑक्शन की टेबल पर उतरने वाले हैं। मतलब हरदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, देखो मोहम्मद सिराज ने इतना प्रभावित नहीं किया, पहले जरूर हो सकता है कि आरटीएम एक दिमाग में हो मोहम्मद सिराज को लेकर, वो एक अलग चॉइस है, वो आरसीबी की थिंकिंग हो सकती है, पर मेरे हिसाब से सबसे पहला फास्ट बोलर जिसको टारगेट करना चाहिए, आपके लगभग 48 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं उन 6 खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए, अब हरदीप सिंह टारगेट लिस्ट में होना चाहिए। 7वां खिलाड़ी जिसको आरसीबी की टीम टारगेट करे, हरदीप सिंह 19 विकेट ली थी आईपीएल 2024 में, 10 की इकोनॉमी जरूर थी, और अभी इंडियन टीम के सबसे बेस्ट गेंदबाजों में आते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, स्पेशली हरदीप सिंह को आप 15 करोड़ रुपये तक हो सकता है कि हरदीप सिंह मिल जाए। अब 48 और 15 63 करोड़ रुपये आपके पास खर्च हो चुके हैं, हरदीप सिंह को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आरसीबी की प्रॉब्लम क्या रही है, आरसीबी पिछले कुछ सालों से आईपीएल टाइटल क्यों नहीं जीती, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि उनके पास डेथ गेंदबाजी नहीं है, डेथ में जो अच्छी खासी गेंदबाजी, डेथ में हमेशा ही आरसीबी के बॉलर्स पिटे हैं, या आरसीबी टीम हारी है तो उनकी गेंदबाजी की वजह से हार रहे हैं, क्योंकि 200-250 रन बनवा देते हैं, अगर आरसीबी के बल्लेबाज 220 रन बना भी देते हैं तो वो चेस करवा देते हैं, तो कमजोरी आरसीबी की गेंदबाजी रही है, इस बार गेंदबाजी को मजबूत करना ही होगा, तो 7वां टारगेट प्लेयर हरदीप सिंह। और लास्ट 8वां खिलाड़ी जिसको टारगेट करके अपनी प्लेइंग 11 को कंप्लीट करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद समी को टारगेट करिए, मोहम्मद समी वो चॉइस होने चाहिए, जरूर अभी इंजर्ड चल रहे हैं, गुजरात टाइटंस ने उनको रिलीज कर दिया, तो ये अच्छा मौका है कि आप मोहम्मद समी को बाय करिए, 5 या 6 करोड़ रुपये में मोहम्मद समी आपको मिल जाएंगे, लगभग 68 करोड़ रुपये में आपकी प्लेइंग 11 कंप्लीट हो जाएगी, बाकी जो 15 करोड़ रुपये पीछे बचेंगे वहाँ पर आप बैकअप खिलाड़ी खरीद सकते हो, जो कोई 2 करोड़ रुपये मिलेगा, कोई 50 लाख में, कोई 20 लाख में, वो खिलाड़ी अपने आप मिल जाएंगे। तो मोहम्मद समी, हरदीप सिंह, यश दयाल, अब ये तीनों नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, प्लस मोहम्मद समी, हरदीप सिंह ऐसा है कि पुरानी डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो 4 ओवर, 2 ओवर हरदीप सिंह के और 2 ओवर आप मोहम्मद समी की डेथ में रखिए, क्योंकि डेथ में ही आरसीबी की गेंदबाज फिरते हैं, तो इससे आपकी गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी, मोहम्मद समी, हरदीप सिंह, क्योंकि टीम वही जीतती है आईपीएल टाइटल, वही उठाती है जिसकी गेंदबाजी मजबूत होती है, तो मोहम्मद समी, हरदीप सिंह, यश दयाल, मिशेल सेटन और यूजी चहल के रूम में आपके पास 5 अच्छे खासे गेंदबाज हो गए। ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को आपने टारगेट कर लिया, जरूरत पड़ी तो ग्लेन प्लेस और विलजेक से भी गेंदबाजी करवा लिया, मतलब कि आपके पास 8 अच्छे खासे गेंदबाजी के ऑप्शन हो गए। तो आरसीबी की टीम, विराट कोहली उनके पास है, पहली चॉइस विलजेक्स को टारगेट करेगी, नंबर 3 के लिए ऋषभ पंत को टारगेट करेगी, नंबर 4 रजत पाटीदार होने वाले हैं, नंबर 5 ग्लेन फिलिप्स को टारगेट करेगी, नंबर 6 पे मार्कस स्टोइनिस को टारगेट करेगी, नंबर 7 पे मिशेल सेटनर को टारगेट करेगी, नंबर 8 पे यूजी चहल को टारगेट करेगी, और नंबर 6 पे यश दयाल रहने वाले हैं, नंबर 9 पे यश दयाल रहने वाला है, फिर 10 और 11 पे हरदीप सिंह और मोहम्मद समी को टारगेट करने वाली है
ये अच्छी चीज़ है, इन दो खिलाड़ियों को टारगेट करें और ये अच्छी प्लेइंग 11 परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाए। इसमें गेंदबाजी भी मजबूत, बल्लेबाजी भी मजबूत, ऑलराउंडर्स भी आपके पास भरे पड़े हैं, जो टीम आपको आईपीएल टाइटल जिता सके। और हाथ जोड़ के दुआएं, ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि आरसीबी को केएल राहुल को टारगेट करना चाहिए, अगर आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहती है तो केएल राहुल को टारगेट ना करे। वो कौन से अंधभक्त फैंस हैं आरसीबी के, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा केएल राहुल में वो क्या देख रहे हैं कि केएल राहुल जाएंगे तो आरसीबी को टाइटल जिता देंगे। जिसने लखनऊ का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया केएल राहुल ने, वो आरसीबी को आईपीएल टाइटल नहीं जिता सकता। तो असली जो आरसीबी के फैंस हैं, जो चाहते हैं कि आईपीएल 2025 आरसीबी जीते, तो उम्मीद ही करके चलना कि केएल राहुल को आरसीबी की टीम ना खरीदे। बाकी मैंने बता दिया कि कौन से 8 खिलाड़ियों को टारगेट करेगी, आपके हिसाब से कौन से 8 खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए, कौन से और खिलाड़ियों को भी टारगेट करना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार